Hello and welcome to second episode of Cervical Pain Relief Series. I am Dr. Varun Wasil और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तीन ऐसी नेक एक्सरसाइजेज की या सर्वाइकल एक्सरसाइजेज की जो हर सर्वाइकल पेन में हर नेक पेन में काम आती हैं और इसीलिए आज मैं ये सेकंड एपिसोड पहले बना रहा हूँ हमारी और बहुत बहुत आपका धन्यवाद क्योंकि हमारी जो सीरीज़ चल रही है ये हमारी रेगुलर थर्ड सीरीज़ है ऑलरेडी लो बैक पेन रिलीफ सीरीज़ नी पेन रिलीफ सीरीज़ और अब सर्वाइकल पेन रिलीफ सीरीज़ शुरू होगी अब मैं आपको सबको बता दूं कि कुछ ये टेक्निकल टर्म होती है सर्वाइकल स्पाइन कईयों को नहीं पता होता कि सर्वाइकल स्पाइन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं हम अपनी नेक को मेडिकल टर्म में सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं इसके 7 वर्टिब्राज होते हैं वो सारी जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो एपिसोड 1 में आपको मिलेंगी तो इसीलिए मैं एपिसोड 1 को एपिसोड 2 के बाद पब्लिश करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी एपिसोड था क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि नेक पेन के लिए कोई एक्सरसाइज बता दीजिए हमारी पेन हो रही है तो बहुत सारी हमारी कंसल्टेशन भी इस पर डिपेंडेंट होती हैं कि हमारी नेक पेन के लिए आप बताओ कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए तो इसलिए मैं सेकंड एपिसोड पहले बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप तक एक्सरसाइज पहले पहुँच जाए ट्रीटमेंट पहले पहुँच जाए उसके बाद मैं एपिसोड 1 पब्लिश करूँगा तो सर्वाइकल पेन रिलीफ सीरीज़ भी आपकी हेल्प से शुरू हो चुकी है तो हमारा ये सेकंड एपिसोड होगा इसके बाद फर्स्ट एपिसोड में पब्लिश करूँगा और इसको भी आप उसी तरह प्यार दीजिए जैसे आपने लो बैक पेन रिलीफ सीरीज़ और नी पेन रिलीफ सीरीज़ को दिया है जिसमें हमारे लो बैक पेन के 19 एपिसोड आ चुके हैं और नी पेन रिलीफ के 10 एपिसोड आ चुके हैं तो इसकी तरह हम सर्वाइकल पेन रिलीफ सीरीज़ भी आपके कहने पर ये बना रहे हैं पूरी सीरीज़ तो आज हम इसकी तीन बेस्ट एक्सरसाइज देखेंगे कि हर सर्वाइकल पेन में नेक पेन में ये काम कैसे आती हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए अब सर्वाइकल पेन की या नेक पेन की बात करें तो मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम आती है जब भी वो एमआरआई भेजते हैं C5-C6-C7 इसकी डिस्क निकली हुई है पर मेन कॉज हमारे हर सर्वाइकल पेन का नेक पेन का होता है पॉस्चर क्योंकि पॉस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम ही सबसे ज़्यादा हमारे दिक्कत करती हैं हमें पेन करती हैं वो रिपेन हमारे रेडिएटिंग भी होती है वो कई बार डिस्क प्रोलैप्स की वजह से होती है बहुत सारे फैक्टर्स हैं हर एपिसोड में मैं वो कवर करूँगा तो अब हमारी जो तीन बेस्ट एक्सरसाइज हैं ये कोई भी आपको नेक पेन हो तो हमेशा ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सेफ एक्सरसाइज हैं तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं ये होगी हमारी चिन टक और पिलो प्रेस को कैसे करते हैं ये देखते हैं तो चलिए चलते हैं अब अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ इसका नाम है चिन टक एंड पिलो प्रेस इसमें हमने क्या करना होता है कि जब भी हमने लेटना है तो पिल्लो ज़रूर होना चाहिए नीचे ये बहुत बड़ी मिथ है लोगों की कि जब सर्वाइकल हो गया नेक पेन हो गया तो पिल्लो निकाल देते हैं वो तो ये बहुत बड़ा मिथ है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है इसका मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है कि कैसे हमें पिल्लो लेना चाहिए और कैसे हमें सर्वाइकल पेन में या नेक पेन में सोना चाहिए तो हाउ टू स्लीप इन द नेक पेन ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा तो आइए देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है पेशेंट अपनी लेग्स को फोल्ड करके लेट जाए इस तरह से ताकि उसको कोई मुश्किल ना आए और बॉडी बिल्कुल रिलैक्स आए ताकि अपर बैक भी है वो रिलैक्स पोजीशन में रहे इस तरह से अब हमने क्या करना है चिन को सबसे पहले थ्रोट की तरफ लगाना है इस तरह से हल्का सा और उसके बाद सिर से अपने पिलो प्रेस कर देना है तो ये दो कंपोनेंट की एक्सरसाइज है पहले कंपोनेंट में हमने सिर्फ चिन को जो कि हमारा फॉरवर्ड हेड पोस्चर रहता है लोगों का इसलिए चिन आगे को निकली होती है और इस तरह से हाइपर एक्सटेंशन में नेक रखते हैं लोग सोते हुए भी तो ये बहुत गलत चीज़ होती है तो सबसे पहले हमने चिन टक करके ताकि हमारे जो डीप फ्लेक्सर्स हैं वो ईजिली काम कर सकें इस तरह से चिन टक किया अब इसमें क्या करना है पेशेंट ने बहुत ज़्यादा जोर लगा के अपना सिर नहीं उठा लेना चिन को टकिंग करते हुए चिन को हल्का सा पोजीशन देके थ्रोट के साथ उसके साथ सिर से पिल्लो प्रेस कर देना है साथ ही तो ये साइमल्टेनियसली होता है पर दो कंपोनेंट में करना है चिन टक पिल्लो प्रेस और इसको 5 to 10 seconds होल्ड करना है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप अपने सेकंड्स काउंट कर सकते हैं उसके बाद रिलैक्स करना है फिर से हमने क्या करना है चिन टक पिल्लो प्रेस 1, 2, 3, 4, 5 तो ये एक्सरसाइज हमने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये ऑलमोस्ट हर चीज़ में मींस हर नेक पेन में आपको ये करनी करनी है और ये बहुत सेफ एक्सरसाइज है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आती है सबसे पहले इसको एक्सरसाइज करने से पहले अपने नेक पे हॉट पैक ले लीजिए अगर इन्फ्लामेटरी केस नहीं है तो हॉट पैक हीटिंग पैड लेके मसल रिलैक्स हो जाते हैं उसके बाद चिन टक एंड पिलो प्रेस तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज अब सेकेंड एक्सरसाइज में हमने क्या करना है जो भी हमारा पेन होता है वो मोस्टली ट्रेपीजियस मसल से होकर निकलता है मोस्टली जो ऑफिस में काम करते हैं या लैपटॉप पे ज़्यादा होते हैं फ़ोन पे ज़्यादा होते हैं तो ऑफिस गोइंग वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आईटी प्रोफेशनल्स के में बहुत कॉल्स आते हैं और बहुत कंसल्टेशन होती है उनकी तो इसलिए भी मैं उनको भी बता रहा हूँ कि जो ट्रेपीजियस मसल होते हैं उनको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है
उसके लिए हमने इस तरह से दोनों हाथ हमने रख लेने हैं हमने टमी पे, और जो एल्बो है वो बेड पे लगी रहनी चाहिए, एल्बो को उठाना नहीं है, एल्बो बेड पे, हाथ टमी पे, और अपने दोनों शोल्डर्स के साथ आपने बेड को पीछे की ओर प्रेस करना है, यानी कि अपने दोनों स्कैपुलर बोन्स जो हैं, शोल्डर ब्लेड्स हैं, उनको इस तरह से जोड़ना है पीछे की तरफ। तो सीधे लेटे लेटे हमने इसको इस तरह से पीछे को टच करवा देना है, बेड को प्रेस कर देना है शोल्डर्स के साथ, इसको भी हमने 5 to 10 seconds होल्ड करना है और फिर रिलैक्स कर देना है। एक जो कॉन्ट्रैक्शन हमने करनी है या मसल को जो भी यूज़ करना है, तो एकदम से इमीडिएटली बहुत जर्की मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बहुत धीरे धीरे इसको शुरू कीजिए, और धीरे धीरे जहाँ पे आपको अच्छा सा स्ट्रेच आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए, तो वहाँ पे उसको रोक दीजिए। इस तरह से 5 to 10 seconds होल्ड करके रिलैक्स, इस तरह से आप दोनों की 10 repetitions करिए। अब दोनों एक्सरसाइज को मिक्स नहीं करना, कई लोग क्या करते हैं चिंटक पिलो प्रेस के साथ ही शोल्डर प्रेस कर देते हैं, तो उनको पीछे से क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो ये गलत चीज़ है। सबसे पहले एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरी पे आए। तो ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जो हेडेक में काम आती है। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारे हेडेक को कम करने के लिए, क्योंकि जिसको भी सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये कैसे ठीक किया जा सकता है, मेनली होता है ये C2 वर्टिब्रा की वजह से, जो हमेशा ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। तो इस तरह से हमने पीछे मैं इसको आपको बताता हूँ, इस तरह से जो हमारा हेयर लाइन होता है यहाँ पे, अपना आप जो बड़ी फिंगर है उसको रख के इस तरह से अपने इंडेक्स फिंगर के साथ इस तरह से इसको आप टैप कर सकते हैं। ये टैप करने से कम इसको 1 to 2 minutes तक टैप करते रहिए, इससे आपका हेडेक भी कम होगा और चाहे जो माइग्रेन वाला पेन है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक है। हम स्टिमुलेट करते हैं अपने C2 वर्टिब्रा को और मैकेनोरिसेप्टर्स को, तो वो वहाँ पे जाके उसको पेन को भी कम करते हैं और इजी रखते हैं, जो स्टिफनेस होती है नेक में उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो ये तीन एक्सरसाइज आप ज़रूर करिए। ये तीन एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हर सर्वाइकल पेन, नेक पेन के लिए काम आती हैं, इसीलिए मैंने ये एपिसोड आपको पहले दिया है। अब सबसे ज़रूरी बात कि चिंटक पिलो प्रेस एक्सरसाइज करते टाइम लोग गलती क्या करते हैं, जब वो चिन टक कर लेते हैं और जब पिलो प्रेस करने लगते हैं तो चिन को ऊपर ले जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना। ये मैंने बहुत बार देखा है, लोगों की यही गलती होती है। तो जब भी हमने चिन टक करना है साथ ही पिलो प्रेस करना है, चिन को अंदर करके रख के, ना कि जब पिलो प्रेस करते हुए हमने चिन को ऊपर नहीं उठाना, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो चिन टक पिलो प्रेस इकट्ठा होना चाहिए। तो ये थी सर्वाइकल पेन और नेक पेन को कम करने के लिए तीन बेसिक एक्सरसाइज, और इसको करने से अगर आपका पेन थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है तो उसको उसी टाइम स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि आपको कई बार होता है एक्यूट कंडीशन होती है, एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स होता है, तो ये कंडीशन काम नहीं आती। पर नॉर्मल मसल स्पाज़म में या नॉर्मल हमारी सर्वाइकल कंडीशन में तीनों एक्सरसाइज बहुत सेफ है और ईजिली आप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आया तो नीचे निकले नंबर पर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मेरे से 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये फ़ोन कंसल्टेशन का प्रोसेस होता है, थोड़ी सी छोटी सी इसकी फ़ीस होती है, उसको पे करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और 1-to-1 मेरे से कंसल्ट करके मैं आपको उसके रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी प्रेस्क्राइब करूँगा, और आपकी MRI वगैरह देख के, आपके सिम्टम जान के आपको एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब की जाएंगी। तो ये हमारा फ़ोन कंसल्टेशन होता है, इस पर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जैसे आप ऑलरेडी हमारे लो बैक पेन सीरीज़ में, नी पेन रिलीफ सीरीज़ के लिए ऑलरेडी आप कर रहे हैं, तो आप सबको तो पता ही है। तो इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस सर्वाइकल पेन रिलीफ सीरीज़ या हमारे चैनल का कोई भी वीडियो मिस करने वाला बिल्कुल नहीं है। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ही लोगों को अवेयरनेस आती है, उनको पता लगता है कि हम क्या क्या करके ठीक हो सकते हैं घर बैठे ही। तो इस तरह से इसको वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और हमारी सर्वाइकल पेन रिलीफ सीरीज़ को भी अब लो बैक पेन रिलीफ सीरीज़ और नी पेन रिलीफ सीरीज़ जैसा ही प्यार दीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।